जय माता जी। हाँ, जय माता जी के बेटे। मैं किशन राव ढोटे बोल रहा। हाँ बोलो। कुछ थोड़ी सी परेशानी है घर की। आप मेरे को तो लड़के बच्चों के बारे में और अपने घर की भी, तो मैंने कहा आप ही बता दो, तो आप ही बता दो क्या दिक्कत है, क्या है। पूरा परिवार जी ही अस्त व्यस्त है बेटे, है। पूरा घर ही डिस्टर्ब है, सबकी मति काम नहीं कर रही है अच्छे से। हाँ माता जी। हाँ, कोई पूर्व में है तो कोई उत्तर में है, आप सबको समेट समेट के समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ वो तो सही बात है, पर अब ये मत घूमूंगा भाई, कैसा अब अलग अलग है सब। सभी का चित्त अलग अलग है, वो सबको एक दूसरे की सुनने को खाली नहीं, सभी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ समझता है। हाँ जी हाँ। वो हाँ तो जो पास में है उनका ना, हमारा तो एक मत हो जाने को है ना माता। हाँ जो दूर वाले हैं उनकी तो जाने दो, उनसे क्या लेने देना, पर हाँ अपनी जो हाँ साथ में है तो वो मिलके जो करेंगे, परिवार एक होकर के जो कार्य करता है तो उसमें रौनकता रहती है और जीवन में एकता रहती है, और अपन को देख करके और परिवार और समाज के लोग भी सीखें। हाँ। तो अब यहाँ हम तीन जने तो है, तो तीन के तीन रंग है हमारे माता जी। हाँ, कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है, सब हाँ, तो उसको अपने अपने में। तो अपने जगह पे लाने की कुछ बनाओ व्यवस्था माता जी। हाँ, वो एक ही व्यवस्था है, परमात्मा की शरण और बाबा भोलेनाथ की कृपा से अपने घर में एकता और सामंजस्य होनी चाहिए, और सबके हृदय में भोलेनाथ की भोलेनाथ भक्ति अटल होनी चाहिए, तब ठीक की भक्ति। है। हाँ, और भोलेनाथ की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, जब तक गुरु दीक्षा नहीं लोगे तो भोलेनाथ की भक्ति और भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, कारण माता जी। क्योंकि अपने घर में ढीठ लगी हुई है, ढीठ नजर, ढीठ हाँ। लोगों की ढीठ लगी है और वो लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं अपन को। हाँ, सही बात माता जी, सही। हाँ, और ये आपका जो बड़ा सरल और सुंदर व्यवहार है ना, ये लोगों को बड़ा खलता है, जलते हैं लोग। हाँ, सही है बिल्कुल, ये तो बात सही है। हाँ, और ये सब अपने घर में टोटके तामने सब हो रहे हैं, तो वो ये सब गोंडी विद्या से हो रहा है, छल अपने घर में कपट छल, तो तो एक माता दूसरे जी, की कोई सुनता ही नहीं। तो वो हो रही ना, तो उसको हटाओ कोई भी हालत से भाई। हमारे को कुछ बिच्छू का भी मंत्र नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, लड़कों को भी नहीं आता, घर वाली को भी नहीं आता, कोई ये नहीं। हम दो तीन जने हैं घर को, कोई किसी को कुछ भी मंत्र नहीं आता। और हाँ, जो आप बोल रहे वो मंत्र हो रहा है घर में से, तो उसको बिल्कुल हटाओ, उस पर टाल दो। और घर में भी ना उससे बरकत कुछ भी नहीं है, ना धर पैसा रुकता है, ना कुछ बड़ा, सब लोग अपने कमाने वाले हैं लेकिन एक चित्त होकर के नहीं जी पा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सामंजस्य भी नहीं है। तो ये सब एक दिन ना अगर ज्यादा बिखर गए तो फिर वो उल्टा हादसा हो जाता है घर में, फिर पछताने से क्या होता जब हादसा ही हो गया तो। हाँ। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाती एक दूसरे के ऊपर घर में कि एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं होते, सब मैं नहीं, बड़ा हाँ मैं बड़ा। हाँ माता राम। तो ये परिस्थिति को ठीक करने के लिए माँ बगलामुखी की शरण, बगलामुखी देवी की आराधना और बाबा शिव का ध्यान करें भोलेनाथ का, मैया से सब ठीक करेंगे। एकाध बार परिवार सहित मैया के दर्शन के लिए पहुंच जाओ, कहाँ पर शिवनी शिवनी, बिल्कुल सही, पहुंच है ना, जाएंगे दर्शन के लिए माता जी के पास आकर के मैया के शरणार्थी होकर के और सारे दुख को उनके चरणों में समर्पित कर दो। हाँ। पर थोड़ा सा अभी ये परेशानी है, 8-10 दिन में परेशानी ये दूर हो जाएगी कि नहीं, तो मैं 10 दिन के अंदर में जा जाता। मैं बहुत बिल्कुल परेशान। बिल्कुल हो जाएगी मैया की कृपा से, बस लगन लगाए रखो कि मैया मेरी परेशानी ठीक कर दो, मेरे घर की और मुझे ठीक कर दो, मैं जल्दी आपके दरबार में आ रहा हूँ। मैया रानी सब खुद ही कर देगी व्यवस्था, आप चिंता मत करो, हाँ, ठीक है ठीक। छोटे। हाँ और उसकी बुद्धि तो भैया पूरी विपरीत चली गई है, वो सुनता सबकी है लेकिन करता मन की है, हाँ हाँ माता जी, बिल्कुल और सही ये बात प्रेम चक्कर में भी झूम रहा है इधर उधर, पागला हो गया, है। आओ प्रेम प्रसंग चल रहा है उसका। हाँ, इधर उधर घूम रहा हाँ, घुमा माता जी। अभी उसको मैंने लाया, अभी 8-10 दिन हुए घर को, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चल भाई घर को चले ना, तूने तो ऐसा करके लाया है, तो उसकी बुद्धि कम से कम अपनी लाइन में तो मिल जाए, तो बहुत बड़ी बढ़िया है। लेकिन एक बात है, वो सुनता सबकी है, करता मन की है, हाँ और अभी है तो वो इतना झकलेट जैसा हो गया, उल्टे उल्टे विचार ला रहा है वो, मैं ऐसा बोलता है कि मैं मरे जाऊंगा, ऐसा बोलता है हाँ 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 वो,
उसको ध्यान से सुनना जरा, वो यही भाषा बोल रहा है कि अब मैं, मेरे को जीना ही नहीं, मैं मर जाऊंगा, तुम लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हो, मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, अच्छा ही तो कर रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आती, तो ये यही हरकत कर रहा हूँ। हाँ, यही हरकत कर रहा है। हाँ, जबकि बड़ा ज्ञानी बड़ा विद्वान लड़का था वो, हाँ, सबको लेकर के चलने की कला थी, पूजा पाठ सब चीज में आगे था, और वो आज मैं, और आज है तो फेल हो गया। हाँ, यहाँ अभी आप फेल हो गए ना, तो मैंने माताराम वो जैसा चलने लगा उस टाइम से मैंने पूजा करना छोड़ दिया था उसके सुप्रत, हाँ, कि जो कहाँ भी पूजा करना है तो उसको मालूम था, मेरे को मैं भूल गया था कि बजरंगबली की पूजा करना है कि हनुमान जी की करना है कि माता माई की करना है, वो बड़ा कुछ नहीं मालूम था मेरे को। ज्ञानी बेटा था, लेकिन हाँ, अचानक अचानक उसकी बुद्धि विपरीत हो गई बेटा। अब उसके लिए माताराम जी कुछ बताओ इसकी व्यवस्था, तो हम मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा आपके चरणों में। इसको क्या है, असली में पितृ दोष है इस बेटे को, तो ये सबकी मानता है लेकिन पिता की नहीं मानता, और नहीं, जो हाँ है जो व्यक्ति इस बेटे को सलाह देता है उसकी मान लेगा, और पिता सलाह देंगे तो उसको दुश्मन सा लग रहा है। हाँ हाँ, कि तुम उल्टा बोलते हो, जब भी बोलोगे मेरे लिए उल्टा बोलते हो, अच्छा नहीं बोलते, मेरे लिए भला का नहीं चाहते आप, ये सब ऊट पटांग ही बात करता है, तो हाँ और ये जो सब इसका मूल कारण है। उस बेटे को पितृ दोष है और शुक्र है, थोड़ा सा लड़कियों से दूर रखे इसको, नहीं तो मौत के घाट उतार देगी लड़कियां, अच्छा, क्योंकि लड़कियों से इसको दूर रखना है, बाहर बाहरी वातावरण से दूर रखना है इसको। हाँ, हाँ, पितृ दोष की शांति जल्दी करवाएं, बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है बेटा। ठीक है, ठीक है, बता। हाँ। शांति।